मैं जब सुबह देखा न्यूज तो बड़ा दुख हुआ। हम उस परिवार को बस एक के क्या बोले, कुछ शब्द ही नहीं आ रहा है। तो हमारे तरफ से, हमारे पूरी टीम के तरफ से उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनको जन्नत दे और उनके परिवार वालों को हमेशा खुश रखें। ईश्वर उनको हिम्मत दे और ताकत दे, ये दुख की घड़ी है। कम से कम 2 मिनट का मौन व्रत हम लोग रख लें। एकदम एकदम शांत, कोई हल्ला नहीं करेगा। साइलेंस। पूरी यूनिट को थैंक यू मैं बोलूंगा। जब से ये घटना हुआ है तो समर सिंह का नाम आ रहा है और समर सिंह मतलब पूरे परिवार के साथ यहाँ से मोबाइल बंद करके फरार हैं। अब क्या है, ये तो पुलिस खोज ही लेगी ना भाई। हम गलत करेंगे तो कई दिन हम बच जाएंगे जी। ये प्रशासन पुलिस किसी का नहीं होता है, आज ना तो कल। अगर गलती में जो भी, मैं तो कह दिया कि गलती में जो भी पाए जाएंगे उनको सजा मिलेगी जी। हाँ, उनकी माँ एक इंटरव्यू में आकर कहती हैं समर सिंह का और समर सिंह का भाई का नाम ले रही हैं कि वही 21 तारीख को आकांक्षा दुबे को धमकी दिया था कि तुमको उठवा लेंगे या तुमको मार देंगे। अब तो इसका जांच होगा, फोन नंबर पे अगर फोन आया होगा तो जरूर कार्रवाई होगा जी। हाँ, जो उसके मौत का जो भी कारण होगा, ये यूपी है, योगी सरकार है और मुझे विश्वास है कि बहुत सारे घर में इतना बुलडोजर चल रहा है, देख ही रहे हैं जी। सारे जितने अपराधी है सब मारे गए। योगी जी जैसा नेता है पूरे देश में, मोदी जी के बाद योगी जी का स्थान है जी। सब लोग इतना मानता है उनको, हम लोग गर्व करते हैं कि हमारे बिहार का भी मुख्यमंत्री वैसा हो, योगी जैसा। सब लोग कहता है, पूरे देश में लोग चाहता है कि हमारा मुख्यमंत्री योगी जैसा। इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों के साथ सभी को खड़ा रहना चाहिए था, जो कि एक भी नहीं है जी। हम लोग तो यहाँ बिहार में हैं, यहाँ से वहाँ जब तक जाने के लिए सोचे तब तक लाश चल गई थी जी। मतलब अगर हम यूपी में होते तो मैं पक्का जाता, वादा के साथ कहता हूँ, सच्चाई के साथ मैं ज़रूर जाता और जाके लाश भी जलाता जी। हाँ, क्योंकि मुझे सत्य के साथ चलना मंजूर है और मुझे लगता है कि पूरे यूपी में जितने कलाकार हैं वो बनारस में एक भोजपुरी इंडस्ट्री है, जैसे पटना में है वैसे भोजपुरी वहाँ भी इंडस्ट्री है। वहाँ जितने भी कलाकार थे सबको इस दुख की घड़ी में उसके परिजनों के साथ रहना चाहिए था। उसकी माँ इतनी रो रही थी, किसी की बेटी की हत्या हुई या मौत हुई, जैसे भी जो हुआ हो, आत्महत्या हुई है, कोई साथ नहीं दिया। यानी कि जब जीवित थी तो सब लोग साथ था, आज मर गई उसकी कोई साथ नहीं था। बहुत दुख लगा है देख के जब उसका लाश चलाया गया, 7-8 लोग ही सिर्फ थे। यानी कि कहाँ इंसानियत चली गई, मुझे ये समझ में नहीं आता है। सबको एक दिन मरना है, आज इसके साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। कृपया आप लोग अंधकार में ना रहें और सत्य का साथ दीजिए, सच्चाई के साथ चलिए। क्या है नहीं है, अरे बोलने में, दुख व्यक्त करने में, वहाँ जाने में क्या, उसको हिम्मत तो होता है उसकी माँ को। आज कोई आदमी नहीं, क्या बेचारी आई अपनी बेटी, मरी हुई बेटी को देखी कि मेरी बेटी मरी हुई है, इतना रो रही है, किसका कलेजा नहीं फटा होगा इस दुख के देख करके। पूरे फैंस, पूरे लोग दुखित है जी। और कोई कलाकार आवाज़ नहीं उठा रहा वहाँ पे, जो बनारस में भी है जी। जाना चाहिए ना वहाँ पे। भैया भोजपुरी से 3-3 सांसद हैं, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी और निरहुआ जी, इस पे उन लोगों का कोई राय नहीं है, अभी तक कोई एक्शन उन लोगों ने नहीं लिया, उन पे आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, उन लोग तो सांसद हैं, पावर हैं जी, और भोजपुरी के बड़े कलाकार भी हैं। उन्होंने बहुत मेहनत किया एक्टिंग में, चाहे वो सिंगिंग में, तो सबसे पहले तो उन लोग को ही आना चाहिए था, क्योंकि आपके पास पावर है और आप लोग दो दो सांसद हमारे यूपी से हैं, निरहुआ भैया और ये रवि किशन भैया। तो इन लोगों से भी कोई इंटरव्यू ले जा करके, मैं ये चाहता हूँ जी कि इन लोग इस पे आए खुल के और इस पे बात करें कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे उसका मौत हुआ है।